अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में मोहम्मद इकबाल आपको खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, आपके परिंदे भी ठीक होंगे। दोस्तों, ये आपको फाइटर मुर्गों का मैं शौक करा रहा हूँ। ये बड़ा फाइटर मुर्गा है मेरा, दो बाजियाँ जीता हुआ है। अभी ये इसके चिक्स हैं। जिस भाई को चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट करें और उस पर मेरे साथ कॉन्टेक्ट करें। और टॉप क्लास की क्वालिटी के फाइटर बच्चे हैं। ये फाइटर मुर्गा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये दो बाजियाँ जीता हुआ है। ऊंचे कद का मुर्गा है और बहुत टॉप क्लास की क्वालिटी का मुर्गा है। ये सारे जो बच्चे हैं इसके चिक्स हैं, यानी कि इसके बच्चे हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये बच्चे इसके हैं। दोस्तों, इस फाइटर मुर्गे के बच्चे हैं। जो शौकीन हजरात हैं मुर्गों के, उनको पता है कि ये फाइटर मुर्गे कितने महंगे हैं। आगे इसका दूसरा ये चिक्स है, काले कलर का दोस्तों। और ये दूसरा ये चिक्स इसका है काले कलर का। तो ये इस मुर्गी जो इन चिक्स की माँ है, ये भी फाइटर मुर्गी है। ऊँचे कद भी है, इसका कद भी ठीक ठाक ऊँचा है। दो ढाई किलो इसका वज़न है। ये जो मुर्गा है इसका तकरीबन 3-3.5 किलो वज़न है। दोस्तों, अगर मज़ीद वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और फॉलो करो, ताकि जो भी मैं नवी वीडियो बनाऊँ आप दोस्तों तक पहुँच सके। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप दोस्तों को, तमाम दोस्तों को जो शौकीन हजरात हैं मुर्गों के, उनको शौक कराना। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ दोस्तों के लिए वीडियो बनाता हूँ। आप दोस्तों की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। आप दोस्त मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे चल सकूँगा। ये दूसरी जो मुर्गी है ये गले नस्ल की है दोस्तों। ये भी यानी कि फाइटर मुर्गी है। इसके मुँह के ऊपर ये बड़े बड़े बाल हैं, गले नस्ल की है दोस्तों ये मुर्गी। अभी इसके जो बच्चे हैं वो भी यानी इस तरह के हुए हैं, गले नस्ल के हुए हैं। अच्छा दोस्तों, ये मुर्गे हैं, फाइटर मुर्गे हैं। जिस दोस्त को पसंद है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और फॉलो करो, जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँ आप दोस्तों तक पहुंच सके। दोस्तों, आगे ये मैंने एक बकरियाँ भी रखी हुई हैं, तकरीबन दो बकरियाँ हैं। तो आप दोस्तों की दुआओं की ज़रूरत है, अल्लाह पाक इन बकरियों में मेरी बरकत डालेगा। ये इसका बच्चा है बकरी का। तो यानी कि इसमें मैंने जो बकरियां और ये मुर्गियां रखी हुई हैं इस कमरे में। ये फाइटर मुर्गे के चिक्स हैं। इसे बड़े मुर्गे के बच्चे हैं जो अभी तकरीबन 4 महीने के बच्चे हो चुके हैं। दोस्तों, ये इंशाल्लाह बड़े उच्च कद के बच्चे हैं। तो जिस टाइम 7-8 महीने के हो जाएंगे तो इसका वज़न 3-4 किलो तक हो जाएगा इनका वज़न। अभी भी यानी कि ये 1 किलो 3 पाव के बच्चे हो गए हैं ये। जो दोस्त शौकीन हजरात हैं मुर्गों के, ये सिर्फ वीडियो मैं दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो मुर्गों के शौकीन हजरात हैं। दोस्तों, फिर आपको मैं फाइटर मुर्गा दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये दोस्त आप देख सकते हो। दोस्तों, लाल कलर का मुर्गा है, अभी कुरीद में है। इसने खम छम छोरे झाड़े हुए हैं तो अभी कुरीद चल रही है परिंदों में। ये जिस टाइम कुरीद इसकी ख़त्म हो जाएगी तब ये फिर इंशाल्लाह वो टॉप क्लास की क्वालिटी का भी है मुर्गा, और इंशाल्लाह ये प्रेशर निकालेगा तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों, मेरे साथ साथ रहना है। मैं आपको और परिंदे भी दीदार कराता हूँ, आपको फिशरों का भी दीदार कराता हूँ। तो बजरी भी रखे हैं तो बजरियों का भी दीदार करता हूँ। मेरे साथ साथ रहना है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, ये मेरे जो फिशर तोते हैं, ब्रीडर तोते हैं, अभी ये जो ना क्रॉस करें आपस में, तो इंशाल्लाह ये अगले महीने में ये अंडे देने शुरू हो जाएंगे। तीनों ब्रीडर जोड़े हैं। और जो फिशरों के शौकीन हजरात हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और फॉलो करो, ताकि आप दोस्तों को मुझे सपोर्ट चाहिए तो मेरे चैनल आगे आप बढ़ सके। अभी तक दोस्तों इन्होंने अंडे नहीं दिए हुए,
तो ये क्रॉस कर रहे हैं, तीन जोड़े रखे हुए हैं फिशरों के मैंने, अभी तक इन्होंने अंडे नहीं दिए, अभी अंडों का इनका सीजन आने वाला है। तो ये जो तीनों ब्रीडर जोड़े हैं मेरे पास, पहले ब्रीड की हुई थी वो सेल कर दी है मैंने, तो अभी ये ब्रीड इंशाल्लाह देने वाले हैं, एक महीने तक ये ब्रीड दे देंगे। तो आपको दोस्तों मैं बजरियों का भी शौक कराता हूँ, बजरी एक जोड़ा रखा हुआ है, बाकी सेल कर दिए सारे। तो मेरे साथ साथ आपने रहना है, मैं आपको दिखाता हूँ बजरियों का भी शौक कराता हूँ। दोस्तों ये बजरी जोड़ा है, इसमें जो मादी है वो मादी जो है रेडाइस है, और जो नर जो है वो इस तरह सादा ही है। तो मादी मैंने इसको क्रॉस में डाली हुई है, रेडाइस मादी डाली हुई है, पहले तो ये मैंने सेल कर दिए, तो अभी ये फिर मैंने नर जो पकड़ा था, तो अभी नर पकड़ा था तो अभी ये मादी ले आया हूँ मैं शॉप से, परिंदों के शॉप से मादी ले आया हूँ। ये रेडाइस मादी है, अभी ये आपस में यानी कि क्रॉस कर रहे हैं, तो अंडे अभी तक नहीं दिए, अंडे देने वाले हैं। तो दोस्तों आप दोस्तों की दुआओं की ज़रूरत है, इंशाल्लाह इनमें भी अल्लाह पाक बरकत डालेगा, आमीन सुमा आमीन। दोस्तों तब तक दें आप मोहम्मद इकबाल को इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।